हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th के साइंस के चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। सो गाइस, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उस वीडियो को भी जरूर देखें क्योंकि वो वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और हाँ दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, अब अपनी प्रीवियस वीडियो के बोनस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज बी, प्लाज्मा। सो गाइस, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। व्हाट कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट? एंड द ऑप्शंस आर ए पल्मोनरी वीन, बी पल्मोनरी आर्टरी, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। सो गाइस, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए पल्मोनरी वीन। सो गाइस, पल्मोनरी वीन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। नेम द अपर टू चैम्बर्स विद कंपैरेटिवली थिनर वॉल्स ऑफ द हार्ट। एंड द ऑप्शंस आर ए वेल्व्स, बी वेंट्रिकल्स, सी ऑरिकल्स एंड डी ऑल ऑफ दीज। सो गाइस, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑरिकल्स। सो गाइस, द अपर टू चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड ऑरिकल्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर। एंड द ऑप्शंस आर ए बैरोमीटर, बी स्फिग्मोमैनोमीटर, सी स्टेथोस्कोप एंड डी एमीटर। सो गाइस, इफ यू नो द करेक्ट आंसर देन यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी स्फिग्मोमैनोमीटर। सो गाइस, स्फिग्मोमैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4th ऑन योर स्क्रीन। विच सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। एंड द ऑप्शंस आर ए सर्कुलेटरी, बी डाइजेस्टिव, सी नर्वस एंड डी यूरिनरी। सो गाइस, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी यूरिनरी सिस्टम। सो गाइस, द सिस्टम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इज यूरिनरी सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5th आपकी स्क्रीन पर। वॉट इज द इफेक्ट ऑफ स्वेट ऑन द ह्यूमन बॉडी। एंड द ऑप्शंस आर ए इट कॉजेज कूलिंग, बी इट कॉजेज हीटिंग, सी इट कॉजेज फ्रीजिंग एंड डी इट कॉजेज मेल्टिंग। सो गाइस, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, इट कॉजेज कूलिंग। सो गाइस, द इफेक्ट ऑफ स्वेट ऑन द ह्यूमन बॉडी इज इट कॉजेज कूलिंग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। नेम द पाइप लाइक वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एंड द ऑप्शंस आर ए प्लाज्मा, बी जाइलम, सी फ्लोएम एंड डी टिश्यू। सो गाइस, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आइए दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी फ्लोएम। सो गाइस, द पाइप लाइक वेसल दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड फ्लोएम। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। नेम द प्रोसेस बाय विच रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। एंड द ऑप्शंस आर ए ट्रांसपिरेशन, बी ऑस्मोसिस, सी ट्रांसलोकेशन एंड डी ट्रांसपोर्टेशन। सो गाइस, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑस्मोसिस। सो गाइस, द प्रोसेस बाय विच रूट्स एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल इज ऑस्मोसिस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ दीज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। एंड द ऑप्शंस आर ए रेड ब्लड सेल्स, बी व्हाइट ब्लड सेल्स, सी हीमोग्लोबिन एंड डी प्लेटलेट्स। सो गाइस, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे कमेंट करें, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी प्लेटलेट्स। सो गाइस, प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। गाइस, आपने देखा होगा कि अगर आपके कहीं पे भी कट लग जाता है या कोई भी घाव हो जाता है तो थोड़े टाइम बाद वहां पे खून जम जाता है, तो उसे ही हम ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, और वो प्लेटलेट्स की वजह से ही होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। नेम द ब्लड सेल्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। एंड द ऑप्शंस आर ए आरबीसीज, बी डब्ल्यूबीसीज, सी प्लेटलेट्स एंड डी प्लाज्मा। सो गाइस, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी डब्ल्यूबीसीज। सो गाइस, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10th ऑन योर स्क्रीन। नेम द मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच स्टोर्ड यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। एंड द ऑप्शंस आर ए किडनी, बी यूरेटर, सी यूरेथ्रा एंड डी यूरिनरी ब्लैडर। सो गाइस, इफ यू नो द करेक्ट आंसर देन यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी यूरेथ्रा। सो गाइस, द मस्कुलर ट्यूब थ्रू विच स्टोर्ड यूरिन इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इज यूरेथ्रा। और गाइस, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11th ऑन योर स्क्रीन। द हार्ट हैज नंबर ऑफ डैश दैट अलाउज द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। एंड द ऑप्शंस आर ए वेल्स, बी ऑरिकल्स, सी वेंट्रिकल्स एंड डी नन ऑफ दीज।
सो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए वेल्स। सो गाइज द हार्ट हैज नंबर ऑफ वेल्स दैट अलाउज द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अकर्स बाय एंड द ऑप्शंस आर ए ऑस्मोसिस, बी ट्रांसपीरेशन, सी ट्रांसलोकेशन एंड डी डिफ्यूजन। सो गाइज इफ यू नो द करेक्ट आंसर देन यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आइए दोस्तों अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी डिफ्यूजन। सो गाइस द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अकर्स बाय डिफ्यूजन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाउंड ऑन द डैश साइड ऑफ द हार्ट एंड द ऑप्शंस आर ए राइट, बी लेफ्ट, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। सो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी लेफ्ट। सो गाइज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। नेम द पार्टीशन दैट सेपरेट्स द टू चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एंड द ऑप्शंस आर ए aorta, बी वेल, सी सेप्टम एंड डी एट्रियम। सो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी सेप्टम। सो गाइज द पार्टीशन दैट सेपरेट्स द टू चैम्बर्स ऑफ द हार्ट इज सेप्टम। सो गाइज जो हमारे हार्ट के दो चैम्बर होते हैं उसको वर्टिकली डिवाइड करता है सेप्टम, जिससे क्या होता है कि जो हमारे दो टाइप के ब्लड होते हैं ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, तो वो आपस में सेपरेट रहते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर और ये रहा बोनस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड द ऑप्शंस आर ए फोटोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी ऑस्मोमीटर एंड डी किलोमीटर। सो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और जैसा कि ये बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज और आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।